हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास विद द गाइस में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं साइंस का, मेटल एंड नॉन मेटल। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और आज हम कम से कम दो तीन या कम से कम चार टॉपिक आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो में पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, ठीक है। या फिर धातु या धातु आपस में रिएक्शन करती है तो क्या होता है। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने आपको बताया था मेटल्स के बारे में, ठीक है। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स वो होती हैं जो पॉजिटिव आयंस को त्यागने का या पॉजिटिव आयंस को छोड़ने का काम करती हैं। या फिर नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स वो ऐसी मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और निगेटिव चार्ज बनाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक मेटल लेते हैं और एक नॉन मेटल लेते हैं। मेटल कौन सी लेंगे? मेटल लेते हैं हम सोडियम। कौन सी मेटल लेते हैं? सोडियम, सोडियम धातु। यस सोडियम, यस। दूसरी मेटल नॉन मेटल लेते हैं हम सीएल। क्या लेते हैं? सीएल। अब मेटल नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए इस बात को समझने के लिए कि भाई जो आपका सोडियम है, क्लोरीन है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर और क्लोरीन का होता है 17। क्लोरीन कितना होता है? 17, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कोई टफ इसमें बात नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आने चाहिए। नहीं आते हैं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में, हम जाकर देख लेना, बहुत अच्छे बने बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमें पता होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन को एटम की शेल में सेट करना। और आपको पता है पहली सेल में या पहले कमरे में दो व्यक्ति होते हैं इसमें, यस। दूसरे में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। टोटल 11 है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए। लास्ट कितना बचता है? 1 बचता है, ठीक है। इन दो टीम का समय तो ये होता है। चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्लोरीन की। सेम कॉन्सेप्ट रही है, पहले रूम में 2 व्यक्ति, दूसरे में 8 व्यक्ति, कितने हो गए? 8 और 2 10, बचे कितने? 7। लास्ट वाले रूम में आपके 7 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक के दोनों स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं इससे आगे की बात कि भाई आपके मेटल सोडियम नॉन मेटल क्लोरीन रिएक्शन करेंगे कैसे और रिएक्शन किस प्रकार से पूरी होगी। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि जो आपका सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो आपका क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है, लेफ्ट कर देती है, जबकि जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेती है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्टेव लॉ, कौन सा लॉ? ऑक्टेव लॉ, न्यूटन का ऑक्टेव लॉ। ये कहता था कि भाई जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरह भरी हुई होनी चाहिए, यस। अब शेल को भरूंगा कैसे? मुझे पता है कि मेरे शेल में 2, 8, 18, 32 2, 8, 18, 32 एलिमेंट्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते ना, मैं 7 इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेके आऊँ, ठीक है। हमें ये पता है कि या तो हम इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा कर लें, इलेक्ट्रॉन छोड़कर पूरा कर लें। और हमें दूसरी बात ये पता है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। तो ये क्या करेगा? ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किस पर स्थानांतरित करेगा? क्लोरीन पर स्थानांतरित कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि भाई सोडियम क्या है? मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हो जाता है तो यहाँ पर जाता है 2.8 ओनली, ठीक है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे 2 पहले से था, 8 पहले से था, और यहाँ 7 की जगह जब 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल्स पूरी हो चुके हैं, दोनों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यस। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन ले भी लिए, तो इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ा, मेटल नॉन मेटल पर क्या इफेक्ट पड़ा? भाई जो आपका Na था वो पहले 11 के साथ था, यस, यानी कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसने दे दिया। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कभी भी कोई कमी
नहीं होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो कब्जा ले लेता है, उसके ऊपर हमेशा ऋण आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नॉर्मल सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पर आप देख सकते हो कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आया है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया है। अब ये तो रहा एकदम बेसिक मेथड कि भाई हमने दोनों को पता करा है दोनों पर कौन कौन से चार्ज होंगे, ठीक है। अब सोडियम और क्लोरीन, सोडियम ऑलमोस्ट मेटल है, क्लोरीन ऑलमोस्ट नॉन मेटल है, ठीक है। तो सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का निगेटिव आयन आपस में रिएक्शन भी तो करेंगे, रिएक्शन में क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, यानी कि रिएक्शन हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। एक बात तो ये आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि भाई रिएक्शन कैसे करेंगे मेटल और नॉन मेटल। अब इसके बारे में दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है कि मेटल और नॉन मेटल का इंपॉर्टेंट एक रोल है अपने आप में, कि मेटल और नॉन मेटल का क्राइटेरिया थोड़ा और से चेंज है, आपने देखा भी होगा। यस, इसी प्रकार से मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं, यानी कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे NaCl से रिएक्शन करके कंपाउंड तैयार हो गया हमारा NaCl। तो क्या कंपाउंड कब बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हो जो कंपाउंड बना है ये आयंस रिएक्शन के कारण बना है, और रिएक्शन के कारण आयंस के रिएक्शन के कारण कंपाउंड आपका बना है। इसी वजह से इस वाले कंपाउंड को हम एक नाम दे देते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड हिंदी में कहते हैं इसको आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है। आयोग के बाद आप सुन में आयोगी या अपने आप में आपका क्वेश्चन था कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो आयंस की रिएक्शन करने से बनते हैं क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आयोग आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको पिछले वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, रिएक्शन और मेटल और मेटल समझ में आ गई होगी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है, ये उससे अगला टॉपिक है हमारे सभी हमने पढ़ा है, उससे अगला टॉपिक है, देख लेते हैं क्या करते हैं। पहला है हमारा मिनरल्स, मिनरल्स मिनरल्स को हिंदी में कहते हैं खनिज, कहते हैं खनिज, कहते हैं ओर्स, ओर्स को हिंदी में कहते हैं ओर्स को अयस्क कहा जाता है। यस, लास्ट है एट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, अयस्क से धातु की प्राप्ति, अयस्क से धातु की प्राप्ति। चलिए भाई लिख दो, इनका मतलब भी जान लेते हैं। मतलब ये है कि मिनरल्स या खनिज किने कहते हैं, मिनरल्स या खनिज किने कहते हैं, तो वो मैटर्स जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो मैटर्स या वो द्रव्य जो आपके अर्थ क्रस्ट से पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं, उन मैटर्स को या उन द्रव्यों क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात आप लोगों में आ गई होगी। अगला टॉपिक है ओर्स या अयस्क। भाई अयस्क क्या होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया, मेटल्स क्या होती है हमें नॉन मेटल्स भी पढ़ लिया, हमने मेटल ऑर्ड्स भी पढ़ लिए। अब ये मेटल्स आए कहाँ से, मेटल्स आए कहाँ से, तो मेरे भाई कि हमने जो ये मिनरल्स निकाले थे जमीन के नीचे जो मिनरल्स निकाले हैं उनकी शुद्धि करने के बाद हमें अयस्क प्राप्त होता है, उनकी शुद्धि या उनकी रिफाइनिंग करने के बाद हमें अयस्क प्राप्त होता है, यस ओर्स प्राप्त होती है। इन ओर्स से या इन अयस्कों से ही हम मेटल धातु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। या वे पदार्थ या वे द्रव्य जिनसे मेटल या धातु की प्राप्ति हो सकती है उन्हें ओर्स या अयस्क कहते हैं। आई होप ये दोनों बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए थर्ड वाले पर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, अयस्क से धातु की प्राप्ति, यानी कि इससे मेटल कैसे निकाला जाए, ओर्स से मेटल या धातु प्राप्त कैसे की जाए, यस ओर्स से मेटल धातु कैसे प्राप्त की जाए, ठीक है। किसी भी ओर्स या अयस्क से धातु की प्राप्ति करने के तीन चरण होते हैं, क्या चरण होते हैं, तीन चरण होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए चरणों के बारे में डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट आई होप आपको पिछले तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम एक थर्ड वाले टॉपिक पर चलते हैं, मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट है। क्या था? एक्सेप्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, अयस्कों से धातु की प्राप्ति। भाई जो ओर्स आपने जमीन से निकाले हैं उनसे मेटल आप कैसे प्राप्त करोगे, इस बात को जानने के लिए आपको सबसे पहले मैं कोई छोटी छोटी बात बताना चाहता हूँ कि भाई जो ओर्स आप जमीन से निकालते हो, ठीक है, जो ओर्स आप जमीन से निकालते हो उसमें काफी सारी अशुद्धियां इंप्योरिटीज होती है। क्या होती है? काफी सारी अशुद्धियां या इंप्योरिटीज होती है। कैसे होती है भाई? जमीन से आप कुछ भी निकालोगे तो आपको उसमें मिट्टी मिट्टी लगेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप कोई ओर या फिर क्या कहते हैं अयस्क को जमीन से निकालते हो तो उसके साथ काफी सारी अशुद्धियां या इंप्योरिटी आ सकती है, पत्थर वगैरह धूल वगैरह ये सब आ सकते हैं। तो उस ओर को या उस अयस्क को सबसे पहले सांद्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? सांद्रित किया जाता है, इसमें कहें तो प्योरीफाई किया जाता है। यस, प्योरीफाई कर दिया, सांद्रित कर दिया। उसके बाद हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं और कौन से? पहला है हमारा इनिशमेंट ऑफ ओर्स, अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अगला है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये तीन स्टेप आप फॉलो करोगे आपकी ओर्स से मेटल अलग हो जाएगा, मेटल आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे? ये पहला है इनिशमेंट ऑफ ओर्स। इनिशमेंट ऑफ ओर्स को हिंदी में भर्जन कहा जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को निस्तापन कहा जाता है। क्या कहता है? निस्तापन कहा जाता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल को अपचयन कहा जाता है। ये तीन आपके विधियां होती हैं। अब तीनों कहाँ कहाँ यूज होती हैं ये पता करते हैं। भाई जो आपने ओर निकाली है, जो ओर आपने निकाली है उस ओर से आपने मेटल बनाना है। मेटल में अशुद्धियां थी वो तो हमने खत्म कर दी, ठीक है। जो अशुद्धियां थी आपके ओर्स में वो तो हमने खत्म कर दी, ठीक है। अब पहला हमारा टॉपिक आता है इनिशमेंट ऑफ ओर्स भर्जन, कि हमें इनिशमेंट कब करना पड़ेगा, इनिशमेंट कब करना पड़ेगा। भाई जो आपने ओर निकाली है उसमें अगर सल्फर, मतलब सल्फर की अशुद्धियां हैं या सल्फर की इम्प्योरिटीज हैं तो आपको कौन सा वाला मेथड लगाना पड़ेगा? इनिशमेंट ऑफ ओर्स का मेथड या भर्जन आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा? मान लीजिए आपने जमीन के नीचे से जिंक की ओर निकाली है। इसकी ओर निकाली है, जिंक की ओर निकाली है, तो जिंक में सल्फाइड की अशुद्धियां होंगी। मैं कह सकता हूं कि जिंक में सल्फाइड की अशुद्धियां हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाएगा? इस अशुद्धि या इंप्योरिटी को दूर करने के लिए हमें इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी होगी। किसे करानी होगी? ऑक्सीजन से करानी होगी। चलिए करा लेते हैं। तो हमने ZnS की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से। यस, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है कि जो आपका सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ भाग हो जाता है, बस क्या जाता है, ZnO बन जाता है, केवल जिंक ऑक्साइड आपका बच जाता है। यस, प्लस अब सल्फर को बाहर करना है तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आपका बाहर हो जाता है, टू को क्या दे दीजिए, ठीक है। इस पर आप देख सकते हो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप कैसे करोगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या है कि भाई जो आपकी मेटल है अगर उसमें कार्बोनेट की अशुद्धियां, किसकी अशुद्धियां हो, कार्बोनेट की इंप्योरिटीज या अशुद्धियां हो तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला मेथड लगाते हैं, ओके। अब कार्बोनेट की अशुद्धियां कैसे आएंगी आगे देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट है CaCO3, हमने इसको क्या किया, हीट किया, ब्रेक हो गया CaO+CO2 में। जो कार्बोनेट है ये कैल्शियम के अशुद्धियों को लेकर चल रहा है, ठीक है। कैल्शियम ले लीजिए, प्रॉपर्टी को लेना है पिक्चर को देखने वाले पास। यस, क्या था हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो चुका है, CO2 गैस के रूप में अलग हो गई। क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। पिछले वाले मेथड से भर्जन से एनरिचमेंट से क्या प्राप्त हुआ था हमें? जिंक सल्फाइड प्राप्त हुआ था। इससे क्या प्राप्त हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल अपचयन। रिफाइनिंग कब की जाती है? भाई जिंक सल्फाइड तो आपको प्राप्त हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड आपको प्राप्त हो गया, अब इस सल्फाइड को घटाना है और इस ऑक्सीजन को भी हटाना है। इसी रिएक्शन को इन ऑक्सीजन और सल्फाइड और ऑक्सीजन की जो इंप्योरिटीज रह गई है इनको हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल अपचयन का यूज करते हैं। चलिए ये वाला करके देख लेते हैं। जिंक सल्फाइड या कैल्शियम ऑक्साइड की शुद्धियों को आप दूर कर सकते हो, इसके द्वारा रिफाइनिंग के
द्वारा करना क्या है, जो भी आपको मेटल प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन किससे करा दो, कार्बन से करा दो, किससे करा दो, कार्बन से करा दो, काम हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, मान लिया हमारे पास क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, ये सबने रिएक्शन करा दी इसकी कार्बन से, तो क्या करेगा कार्बन ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, बचेगा क्या CA+CO, कार्बन ने क्या करा ऑक्सीजन से लेके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दी जो कि अलग हो जाती है, बचता क्या है हमारे पास कैल्शियम, और कैल्शियम क्या है हमारी मेटल है, इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाता है, मेटल प्राप्त हो जाती है। आई होप आपको ये सारे चरण समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक छोटा टॉपिक और बचता है, उसको भी खत्म करते हैं, फिर हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो का, लास्ट टॉपिक क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, आप लोगों को बताया रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, नहीं ये अलग चीज है, इसमें आपको पता चलेगा कि रिफाइनिंग किस प्रकार से की जाती है, रिफाइनिंग नॉर्मल टेक्निक आपकी क्या है, ठीक है। रिफाइनिंग कैसे की जाती है, मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, आपके पास कोई बैटरी है, बैटरी में क्या होता है, दो सेल्स लगे होते हैं इस प्रकार से, एक दो प्लस और एक माइनस, यस, उसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, एनोड कौन सा होता है, जिसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें प्लस लिखा होता है वो एनोड होता है, और इसमें माइनस लिखा होता है वो कैथोड होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा कि भाई एनोड होता है और कैथोड होता है, एनोड पर प्लस चार्ज, कैथोड पर सॉरी माइनस चार्ज होगा, यस, एनोड और कैथोड के नीचे आपको कुछ गैंग टाइप का दिख रहा होगा, यानी कि गंदगी को कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग के दौरान एक अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है, एक अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है, इनप्योर मेटल के लिए एनोड लिया जाता है, और एक प्योर मेटल का कैथोड लिया जाता है। जब हम इनके वायर्स को या इनके टर्मिनल्स को इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक इसमें प्रोवाइड कराते हैं, तो जो हमारी इम्प्योर हमारा एनोड था उससे निकल कर जो इम्प्योरिटी है वो एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में इकट्ठी हो जाती है। क्या हो जाता है, एनोड पर जो हमारी अशुद्धि थी, जो इम्प्योरिटी थी इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराने से, वो अशुद्धि एनोड से उतर कर एनोड के नीचे तली में या फिर फ्लोर पर इकट्ठी हो जाती है एनोड मड के रूप में, इसको एनोड मड का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से होने वाले रिफाइनिंग को आप क्या कहोगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल धातु का शुद्धिकरण, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात थी, आज मैंने कम से कम 5 टॉपिक आपके एक ही वीडियो में लिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर आपको मेहनत हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट बचता है तो स्क्रोलिंग जो आपका नंबर आपको मिल रहा है आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी शोर शराबा आपको देखने को मिल रहा है, कारण क्या है, लॉकडाउन खुलकर अनलॉक बंद लग गया है। अनलॉक वन का क्या मतलब है, अनलॉक वन का मतलब यह है कि अब धीरे धीरे आपका सब कुछ खुलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगभग इस वाले महीने और आप थोड़ा संयम बरतें और अपने घरों में रहें, क्योंकि जितना आप डिस्टेंसिंग बनाकर रखोगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखोगे और उसे उतना आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा नहीं है, कुछ 10 या 15 दिन का आपका गैप होगा और आप फ्रीली घूम पाओगे उसके बाद। आई होप आपको आज के समय में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।